good morning my dear students i am shashil kumar PGT chemistry uh, today i'm going to start the first chapters of chemistry and that is the some basic concept of chemistry the first chapters of 11th standards are some basic concept of chemistry and in the sum and in this chapter first of all i'm going to discuss the matter i think all of you are studied I, it's in 9th and 10th standard what is the matter मैटर हम किसे कहते हैं मैटर उन्हें कहते हैं कि जो क्या करते हैं कि विच हैकोपाई द वॉल्यूम एंड हैव डेफिनिट मास मीन्स वट इज़ द मैटर दे हैव अ डेफिनिट मास एंड आकोपाई आकोपाई द वॉल्यूम इसका मतलब एनी सब्सटेंस एनी थिंग विच हैवे डेफिनिट है मास एंड एटलीस्ट आकुपाइज द वालूम आर प्रोनाउंस मैटर आई थिंक जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं इफ दे हाई बी मास और वो कुछ ना कुछ वालूम ऑकुपाई कर रहे हैं तो दैट वन इच कॉल्ड ये मैटर आई थिंक दिस डिफिनेशन आलरेडी आल ऑफ यू नोज इन एन ए नाइंथ एंड टेंथ स्टैंडर्ड्स सो हम मैटर की अगेन जब हम बात करते हैं तो मैटर आर अगेन क्लासीफाई इन टू द टू कैटेगरी एक कहते हैं फिजिकल मैटर और दूसरा कहते हैं केमिकल मैटर तो बेसिकली फिजिकल मैटर और केमिकल मैटर ये एक्चुअली है क्या कि मैटर आर क्लासीफाई इन द टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ आर द बेसिस ऑफ इट्स फेजेस मीन्स इज द फिजिकल स्टेट नॉट फेजेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट सो यू कैन से लाइक दैट दैट द मैटर्स एग्जिस्ट इन अगेन टू स्टेट इधर मैटर आर क्लासिफाई इन टू स्टेट वन इट्स कॉल फिजिकल स्टेट एंड अदर नॉलेज इज कॉल केमिकल स्टेट या फिजिकल मैटर एंड केमिकल मैटर तो फिजिकल मैटर को हम फिर से डिवाइड करते हैं कोलाइडल स्टेट फर्स्ट वन इज कॉल कोलाइडल स्टेट सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट एंड प्लाज्मा कोलाइडल इसमें जो पार्टिकल का रेंज होता है कोलाइडल फिर से आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा टेंथ स्टैंडर्ड में नाइन्थ या टेंथ स्टैंडर्ड में तो कोलाइडल स्टेट जो होते हैं इसमें जो शल्यूट पार्टिकल होते हैं सेल्यूट को वहाँ कोलाइडल स्टेट में हम क्या होते हैं डिस्पर्स फेज तो जो डिस्पर्स फेज होता है जो डिस्पर्स फेज होता है उसका जो साइज का रेंज होता है टेन अंगस्टांग से लेके टू थाउजेंड अंगस्टांग के बीच में होता है टेन अंगस्टांग से द साइज ऑफ यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि साइज ऑफ डिस्पर्स फेज डिस्पर्स फेज को इसमें हम के केस में से क्या कहते हैं सल्यूट आर इन द रेंज ऑफ टेनस्टांग टू टू थाउजेंड एंगस्ट्रॉ होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट सॉलिड का ऑलरेडी आपको पता है सॉलिड साहब डेफिनेट से एंड वॉल्यूम शाल साहिब डेफिनेट सेप एंड वालूम और सेम केस मैं लिक्विड की बात करता हूँ तो लिक्विड में हमारा क्या होगा जिस जहाँ पे रखे जाते हैं उसके वालूम को तो अकूपाई कर लेते हैं बट उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता तो क्या क्या डेफिनेट वालूम बट नो डेफिनेट शेप गैसेस की हम बात करते हैं तो नो डेफिनट शेप एंड वालूम इनका शेप और वालूम दोनों डिफ़ाइन नहीं होता इज़ इट ओके एनादर मोन प्लाज्मा प्लाज्मा में हमारे क्या होते हैं कि सब्सटेंस जो होता है दैट सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन ये आयनिक फॉर्म अंडरम कंडीशन स्ट्रीम कंडीशन क्या होती है वो हेयर ज़्यादा टेम्परेचर की बात करते हैं ज्यादा टेम्परेचर और कम प्रेचर में होता है क्या है कि जो मेरा सब्सटेंस होता है दे एग्जिस्ट इन ये आयनिक फॉर्म आई थिंक होप दट आई लव यू गाट इट वट फॉर्म एक्सप्लेनिंग हेयर अगेन यहाँ मैंने डिवाइड किया था कि मैटर जो हमारे थे मैटर को हमने दो प्रकार से डिवाइड किया था एक फिजिकल मैटर था और दूसरा क्या था केमिकल मैटर तो फिजिकल मैटर को हमने डिवाइड किया कोलाइडल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैसियस एंड प्लाज्मा और ऐसे ही मैंने इन केमिकल स्टेट की बात करता हूँ तो केमिकल जो मेरा स्टेट है या केमिकल जो मैटर है ये मेरा अगेन डिवाइड होता है एक पेवर सब्सटेंस में और दूसरा मेरा मिक्सचर में तो पेवर सब्सटेंस की हम बात करते हैं तो पेवर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि उसमें और किसी का अल्डल्ट्रेश नहीं होगा और क्या होगा कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट होंगे उनके जो माशस होते हैं वो क्या होते हैं ये फिक्स्ड रेशियो में होते हैं मींस मैंने क्या लिखा कि फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसमें क्या होगा कि जैसे मैं बात करूँ एच टू तो एच टू में मुझे पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है बाई मास वो क्या होता है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैंने किया यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एच टू तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होगा वन इंटू टू तो टू रेशियो सिक्सटीन तो वन रेशियो एट यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वन रेशियो एट ये फिक्स होगा तो वही कह रहे हैं कि पेवर सब्सटेंस में क्या होगा फ़िक्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ठीक है यानी कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनके जो मासिस होते हैं वो क्या होते हैं एक फिक्स रेशियो में होता है वो चेंज नहीं होता वाटर की हम बात कर रहे हैं तो चाहे जहाँ से मैं वाटर लूँगा उनका ये रेशियो क्या होगा फिक्स होगा अगेन इसके बाद अगेन प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी वन इज कॉल्ड एलिमेंट्स एंड अदर वन इज कॉल्ड कंपाउंड ऑल ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स सोडियम पोटेशियम रूडियम ऑल द कहते हैं जो पीरियोडिक टेबल में जो प्रेजेंट है दे वन आर और हड दे वन आर एलिमेंट्स सो कैन नॉट डीकंपोज्ड फर्दर इनटू द ए सिंपल सब्सटेंस मींस एलिमेंट्स मींस एलिमेंट्स कैन नॉट बी डीकम्पोस्ट फर्दर इंटू ए शिम्पलर सब्सटेंस एलिमेंट्स को हम फर्दर शिम्पलर सब्सटेंस में क्लासीफाई नहीं कर सकते और अगेन दैट एलिमेंट्स आर क्लासीफाई इंटू द मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स कंपाउंडस की बात करते हैं मेटल्स में यदि हम कंपाउंडस की बात करते हैं तो ये क्या होने वाले हैं मेडप ऑफ टू आर मोर एलिमेंट इन द फिक्स रेशियो ऑफ मॉसिस मेडप ऑफ टू आर मोर एलिमेंट इन द फिक्स रेशियो ऑफ मॉसिस अगेन इस कंपाउंडस को हम क्या कर सकते हैं फर्दर डिवाइड होते हैं आयनिक कंपाउंड एंड कोबैलेंट कंपाउंड आपने पढ़ा होगा आयनिक कंपाउंड एंड कोबैलेंट कंपाउंड्स केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक कंपाउंड्स के बीच में आयनिक बॉन्ड होंगे कोबैलेंट कंपाउंड के बीच में कोबैलेंट बॉन्ड होंगे ओके okay. अगेन हमने केमिकल सब्सटेंस हियर आई एम डिवाइडिंग द हियर आई एम डिवाइडिंग द केमिकल सब्सटेंस द टू कैटेगरी वन इज कॉल्ड कल वन इज कॉल्ड पेवर सब्सटेंस अनादर वन इज कॉल्ड मिक्सचर सो अगेन दिस मिक्सचर अगेन दिस मिक्सचर इज डिवाइडेड इंटू द टू कैटेगरी वन इज कार्ल्ड होमोजीनियस अनादर वन इज कार्ड हाइट्रोजीनियस वन इज कार्ल्ड होमोजीनियस अनादर वन इज कार्ड हाइट्रोजीनियस तो होमोजीनियस की बात करते हैं होमोजीनियस में क्या है कि सेम कम्पोजिशंस थ्रो आउट एंड कंपोनेंट्स आर इन डिस्टिंग्विशल मीन्स क्या है कि कंपोजिशन जो पूरा होगा वो मेरा क्या सेम होगा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वाटर वाटर को एक अल्कोहल में डिजॉल्व कर दूं तो वाटर और अल्कोहल को मैंने डिजॉल्व कर दिया तो डिजॉल्व होने के बाद कंपोज हम चाहे जहाँ से उसमें शम्पलिंग करें या शैम्पल्स लें तो हमें क्या होगा कम्पोजिशंस सेम मिलेगा कम्पोजिशंस थ्रू आउट द दल्यूशन विच आर द वाटर एंड अल्कोहल विल बी सेम इज़ इट ओके सेम कम्पोजिशंस थ्रू आउट एंड एंड द कंपोनेंट्स आर इन इनडिस्टिंगबल और मैं जैसे मैंने वाटर और एल्कोहल को आपस में मिक्स कर दिया तो वाटर और एल्कोहल को मैंने मिक्स कर दिया तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इनमें कहाँ मैंने कहीं से भी लिया तुम तो आप ये नहीं बता सकता कि उस सोल्यूशन में कहाँ वाटर है और कहाँ एल्कोहल है क्योंकि दोनों यूनिफॉर्मली मिल चुके हुए हैं तो इनडिस्टिंगशिबल का मतलब उन्हें हम डिस्टिंगविश नहीं कर सकते कौन कहाँ है सेम थिंग एम राइटिंग ही सेम कम्पोजिशंस थ्रू आउट एंड द कम्पोनेट्स आर इन डिस्टिंगल एग्जाम्पल गैसेस लिक्विड सोल्यूशन एंड अल हेट्रोजीनियस में हम क्या कहते हैं हेट्रोजीनियस में हमारा क्या है कि कंपोजिशंस इज नॉट यूनिफॉर्म जैसे यहाँ पे क्या था इनडिस्टिंगबल Indist, था तो यहाँ पे क्या डिस्टिंगज किया जा सकता है क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं होगा जैसे हमने सैंड और वाटर में ला लिया तो सैंड और वाटर का जो हमने सैंड और वाटर को जो हमने मिक्स किया तो सैंड और वाटर पूरे सोल्यूशन में या पूरा जो हमारा एक मिक्सचर करके आप चेंस हो रहा उसमें यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे सैंड अलग रहेगा और वाटर अलग रहेगा दैट्स वाई दे आर प्रोनाउंस एज टू चेंज आई थिंक ऑफ यू थिंगट इट सो अगेन आई एम रिपीटिंग हियर वाट सेपन मैटर आर क्लासीफाई इन टू द टू कैटेगरी वन इज कॉल्ड फिजिकल एंड अदर नॉन इज कॉल्ड केमिकल फिजिकल्स आर अगेन डिवाइडेड इन द कोलाइडल स्टेट सॉलिड state solid gas liquid and plasma in the similar fashions chemical chemical state of matter are divided into the paper substances and mixtures mixtures contains the homogeneous and heterogeneous mixture are again divided into the homogeneous and heterogeneous and paper substances are divided into elements and compounds अगेन दिस एलिमेंट्स आर कंपाउंड एलिमेंट्स आर डिवाइडेड मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स मेटलाइट्स क्या है इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करेगा तो भी इसकी इसकी भी प्रॉपर्टी को शो करेगा और इसकी भी प्रॉपर्टी को मीन्स ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को शो करेगा अब आफ्टर दैट हेयर आम ट्रैकिंग अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट हेयर आर एम ट्रैकिंग अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट मोल्स कॉन्सेप्ट में एक वर्ड हम यूज करते हैं मोल एक वर्ड यूज करते हैं मोल और इस मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस्माल एन से तो हमारा जो ये इस्माल एन यानी कि जो मोल्स है ये हमारा इसका एक फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास गिवन मास बाई मास आई थिंक दिस वन इन दाइन्थ स्टैंडर्ड ओके सो गिबेन मास डिवाइडेड बाई अब वो गिब मास किस किस का हो सकता है मेरा सॉलिड का भी हो सकता है लिक्विड का भी हो सकता है गैस का भी हो सकता है मीन दिस फार्मूला आर अपलिकेबल फॉर ए सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सब पे अप्लाई होगा सेम सिस्टम एन हम बात करते हैं गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाई एन ए गिबन पार्टिकल डिवाइडेड बाई एन ए और एनए मेरा क्या होता है दिस एन एज कार्लगा इज कार्डर एवागा वैलू ऑफ दिस एन एज सिक्स पॉइंट जीरो टू इन टू ट्वेंटी पावर्स ट्वेंटी थ्री ये भी मेरा अप्लीकेबल होगा सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस विट इज ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन ए सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस और एक फार्मूला है और मोल का गिबेन बालूम इन ए लेटर एट एस टी ह्टीप। पी एस टी पी इज वॉट एस टी पी इज द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टम्परेचर एंड प्रेशर दिस इज अवर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एस टी पी इज अवर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये हमारा सिर्फ गैसियस के लिए अप्लीकेबल होगा यानी कि जो हमारा लिखा मैंने हमा लिखा और इसमें इस भी गैसियस में भी हम किस गैसेस की बात करेंगे आइडियल गैस की हम किसकी बात करेंगे आइडियल गैस की तो एनजल टू तो गिवेन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास मासबल आई टी सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस गिवेन पार्टिकल डिवाइडेड बाई बल्स आई टी सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हॉइल द एन इज टू गिटर एट एस टी पी डिडेड बाई टी टू पॉइंट फोर लीटर इज एप्लीकेबल सुमल तो इस पर मैं दो छोटे से क्वेश्चन कराते हैं दो छोटे क्वेश्चन कराते हैं पहला मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऐटम कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऐटम इन यू सी ओ टू गैस बिच आक्यूपाई द वन वन टू एम एल एट ये एस टी पी मतलब इसका क्या कहना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऐटम ऑक्सीजन एटम इन ई सीओ टू गैस बीच ऑकोपाई वन वन टू एम एल यानी कि वन वन टू एम एल एट एस टी पी इसमें से क्या कह रहा है कि है भी वन सी ओ टू गैस इसमें क्या कह रहा है ये आपका सीओ टू गैस है मान लीजिए कोई कंटेनर है इस कंटेनर में सीओ टू गैस है और इस सी ओ टू गैस का जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है वन वन टू एम एल एट एस टी पी मीन्स ऑफ दिस सीओ टू गैट एट एस...

और यानी कि दिस इज एन इज इक्वल नंबर साफ पार्टिकल और ये मोल है और दूसरा मेरा एक फार्मूला है एन एचल टू बालूम आकुपाइट्स इन लीटर एट एस टी पी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर तो चूंकि इलेवन पॉइंट टू एम एल दिया हुआ है तो इस एलेवन पॉइंट टू एम एल इन दिस इज द बालूम एट एस टी पी मैं लीटर में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा यानी कि वन लीटर एच एक थाउजेंड एम एल तो वन वन टू एम को मुझे लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा वन वन टू एम एल इंटू टेंट पावर माइनस थ्री लीटर तो मैंने बालूम आप एस टी पी क्या रख दिया वन वन टू इंटू ट्र पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर आप सब जानते हैं ना वन लीटर इक्वल टू थाउजेंड एम एल शो वन वन टू एम एल इजल टू हाउ मैनीटर वन वन टू इंटू ट्री पावर माइनस थ्री लीटर होप दैट आई लव यू गाट इट जैसे मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा वन अपान टू हंड्रेड ये वन अपान टू हंड्रेड क्या है नंबर ऑफ मोल शाफ सी ओ टू एंड इसको मैं चूंकि मुझे निकालना है हेयर आई हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तो दिस सी ओ टू मालिक्यूल जो मैंने सी ओ टू लिख रहा हूँ जो मैंने सी ओ टू लिखा है इसमें क्या है दिस इज़ अवर ऑक्सीजन मालिक्यूल तो नंबर तो नंबर ऑफ तो अगेन जो ये एन आया ये एन इज तो हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि एन की वैल्यू क्या लिखें वन पॉइंट टू हंड्रेड और ये वागा नंबर है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू ट्री पावर ट्वेंटी थ्री तो एन क्या आएगा ये एन आएगा नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ ओ टू इन ये सी तो हमने सेम सिस्टम इसे सॉल्व किया हमने किया सेम सिस्टम एन इजक्ल टू तो एन बाई ए एन की वैल्यू आपने निकाल ली ये नंबर ऑफ़ मोल कितने हो गए वन टू हंड्रेड तो वन पॉइंट टू हंड्रेड टू एन बाई ए सेम थिंगे मैंने सॉल्व किया तो थ्री पॉइंट जीरो पावर ट्वेंटी मालिक्यूल इट इज द नंबर ऑफ ओर टू मॉलिक्यूल अब हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ जिसे मैंने लिखा शो टू तो शिओ टू में क्या होने वाला एक है एक कार्बन एटम है देर इज ए वन कार्बन एटम एंड वन ऑक्सीजन

ये इन द so कराता हूं उसमें पावर ट्वेंटी फोर आर रिमूव कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ लीटर एट एस टी पी और फिर रिमेनिंग CO2, इन क्या किया हुआ है कि मान लीजिए ये एक शियोटू का कंटेनर था सियो so, टू के कंटेनर में क्या रखा हुआ है One सिक्सटी ग्राम था सल्फर डाइऑक्साइड और इस कंटेनर में किसी की वजह से लीक हो गया मान लीजिए लीक हो जाता है और लीक होने की वजह से क्या होता है वन पॉइंट टू इंटू टी पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम में टू लीक हो गया लीकेज की वजह से तो कहते हैं कि अब ये आपसे पूछते हैं व्हाट इज आस्किंग वट इज आस्किंग नाउ इज आस्किंग दैट दैट ही इज आस्किंग दैट कि व्हाट इज़ द बालूम इन लीटर एट एस टी पी आप यानी कि इतना सिस्टीग्राम में से इतने मालिकी उत्साह पे शोटू लीक हो जाते हैं तो पूछते हैं कि शोटू का कितना बालूम इसमें बचा अब हमारे पास तीन फार्मूले हैं तीन फार्मूले क्या हैं तीन फार्मूले आपके ये हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ तीन फार्मूले क्या थे इधर देखिएगा तीन फार्मूले आपके क्या थे एक था एन एचुक्ल टू डब्ल्यू बाई एम एक एन क्या था एन एचुक्ल टू एन बाई एन ए और एक एन एचुकल टू वालूम आकुपाइड एट एस टी पी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर अच्छा ये जो तीनों हैं ये तीनों रिलेट किस से और हैं मोल से यानी कि मैं क्या कह सकता ये अब आपके पास था क्वेश्चन में ये इतना निकल गया और पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द बालूम ऑफ बी एस टी पी एट ए ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ हमने लिखा बालूम एक चीज़ देखिएगा इसमें मैं लिख कह रहा हूँ इसमें मैं लिख कह रहा हूँ कि रिमेनिंग एशोटू गैस रिमेनिंग एशो टू गैस इन मोल रिमेनिंग एश ओ टू गैस इन मोल तो क्या हो जाएगा डब्लू बाई एम ये दिया हुआ था आपका दिस इज वाट डब्लू बाई एम माइनस कितना निकल गया मालिक्यूल निकलते हैं तो एन बाई एनी जिसमें मैं डब्लू क्या वन सिक्सटी डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर माइनस वन पॉइंट टू इंट माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई स पॉइंट जीरो टू ट्वेंटी थ्री इसे हम सॉल्व करेंगे प्राक्स वन पॉइंट टू तो ये वन पॉइंट टू ये क्या यह मोल आया और इस मोल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बी एन टी पी यू बी एस टी पी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर यानी कि क्या हो जाएगा मैं लिख सकता हूँ वन पॉइंट टू इज टू बी एस टी पी बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो नाउ बी एस टी पी इज वॉट ट्वेंटी टू पॉइंट फोर बाई टू मैंने लिखा हूँ बालूम क्या हो जाएगा बालूम एट एस टी पी वन पॉइंट टू इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इज टू होप दैट आ लव यू गाट इट एंड इवन दो इफ एनी प्रॉब्लम आश टू मी ओके आल द बेस्ट एंड नाइस डे आल आफ यू थैंक यू